नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एकल अभियान अंचल 12 का दीपावली मिलन समारोह रविवार को धर्मशाला संस्था के हॉल में आयोजित हुआ। इसमें वंचित वर्ग के बालकों के समग्र उत्थान के साथ 16 व 17 नवंबर को होने वाले प्रांतीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन में समर्पित भाव से सहयोग का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में शहर के 250 से अधिक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया, जिन्हें एकल अभियान की गतिविधियों के साथ वन्य, ग्राम्य व गिरी क्षेत्र में बालकों के भविष्य निर्माण के लिए किए जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी गई। अभियान के संभाग ग्रामोत्थान प्रभारी आचार्य परमानंद ने एकल कार्यों की समाज में आवश्यकताओं पर जोर देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। संयोजक राष्ट्रीय कवि जगदीश सोनी ने आयोजन को एक सूत्र में पिरोते हुए सभी से कार्यक्रम में सहयोग का आह्वान किया तथा खेलकूद कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। वहीं अभियान के अंचल अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश मेघवाल ने आभार प्रकट किया। एकल अभियान का एक लिंग है अभ्युदय यूथ क्लब, उसके माध्यम से हम बालकों को खेल खेल के द्वारा अच्छे खिलाड़ी बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना चाहते हैं। पहले हमारी जनच में हुई, फिर अंचल में हुई, अब संभाग में हो रही है, उड़ीसा में अखिल भारतीय प्रतियोगिताएँ होंगी। तो इन माध्यम से उनका बल बढ़े, यश बढ़े और नाम बढ़े एक चलिए। उसके निमित्त राजस्थान की पूरी प्रतियोगिताएँ जिसमें दौड़ भी है, कबड्डी भी है, बालिकाओं के लिए बालकों की ऊंची कूद भी है, ये सब मिलाकर 17 नवंबर को 12 में आयोजित होगी। लगभग 500 बालक बालिकाएँ इसमें सहभागी बनेंगे। उसके लिए 12 नगर की 17 समितियां बनाई हैं, वो सर व्यवस्था में जुटी हुई हैं। अखिल भारतीय अधिकारी से लेकर संचय अधिकारी तक इस कार्य में जुटे हैं। कुल मिलाकर एकल के माध्यम से खिलाड़ी तैयार करेंगे, खिलाड़ी के माध्यम से देश का भविष्य तैयार करेंगे और उसके माध्यम से हम विश्व गुरु बनाएंगे। यही हमारी भावना और कामना है।